हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आज हम सूजी और आलू से बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाएंगे। इसे आप झटपट से बना सकते हैं और बहुत ही हेल्दी है। कम तेल में हम इसे बनाएंगे, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने एक प्याज बारीक काट लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती लिया है, नींबू और यहाँ पे कैप्सिकम लिया है। साथ ही साथ मैंने 2 बड़े आलू को अच्छे से उबाल लिया है, छिलका निकाल लिया है, और ठंडा हो जाने के बाद इसको हम इस तरीके से मैश कर लेंगे, क्योंकि जब हम फिलिंग बनाएंगे तो ये अच्छे से मिल जाएगा। और अगर आप मीडियम साइज़ के आलू ले रहे हैं तो 3 मीडियम साइज़ के आलू आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था, और तेल मैंने थोड़ा सा ही लिया, 1 से 2 चम्मच। इसके बाद जीरा डाल दूँगी। जीरा जैसे ही चटक जाएगा, लाल हो जाएगा, इसके बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी और हरी मिर्च मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम से लो ही रखना है, नहीं तो प्याज जल जाएगा जल्दी से। देखिए, प्याज अब अच्छे से भून गया है। इसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूंगी, और शिमला मिर्च को पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो 1 मिनट में ही हमें इसे भून लेना है। बाद देखिए, इसमें सूखे मसाले हम डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने यहाँ पर डाला है। इससे ज़्यादा हम इसमें कोई मसाला डालेंगे नहीं, और हमें इसे अच्छे से भून लेना है। और फ्लेम हमारा लो रहेगा, नहीं तो मसाला जल्दी से जल जाता है। जब भी आप सूखा मसाला फ्राई करें, फ्लेम को जस्ट लो कर दें। मसाला अच्छे से भुन गया है। इसके बाद हमने जो आलू उबाल के मैश करके रखा था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे, और साथ ही साथ हमें इसमें नमक भी डाल देना है स्वाद अनुसार, और हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेना है। देखिए, और बिल्कुल ही मिक्स कर लेना है इसको। और इस सब्जी को बनाने के लिए हमने ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया है, तो आप भी नॉन स्टिक कढ़ाई अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 मिनट हमने लो फ्लेम में इसे भून लिया है, और आलू बहुत अच्छी तरीके से अब पक गया है। इसके बाद मैं कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से छिड़क दूंगी, और इसको भी हमें अच्छे से मिला लेना है। धनिया पत्ती भी अच्छे से मिल गया। इसके बाद मैं इसमें लेमन जूस छिड़क दूंगी ऊपर से, और गैस अब हमें ऑफ़ कर देना है। और हमारा स्टफिंग बनके रेडी हो गया है। इसको अब ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देंगे। नेक्स्ट तैयारी हमें करनी है सूजी की, तो यहाँ पे मैंने सूजी को बहुत ही ज़्यादा बारीक पीस लिया है। आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं। मैंने मिक्सर में इसे 4 से 5 बार ग्राइंड किया, तो बहुत ही अच्छा ये बारीक बन गया है। और इसका हमें पाउडर चाहिए सूजी का। इसके बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा बाइंडिंग हो जाएगा। और इसमें आप थोड़ा चाहे तो नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नमक का यूज़ नहीं किया है। और हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब हमें थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पानी डालना है, और एक नरम आटा लगा के तैयार कर लेना है। हम यहाँ पे थोड़ा सा नरम आटा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सूजी है, और सूजी पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो जो आटा हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो काफ़ी वो हार्ड बन जाएगा। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी का ही इस्तेमाल करें, और बहुत ही ज़्यादा नरम भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं, थोड़ा सा नरम। आप यूजुअली जो आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा नरम लगा के रेडी करें। देखिए, ये जो आटा है, देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा नरम है हम जो रेगुलर आटा लगाते हैं उससे। और इसको अब हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे, तो ये काफ़ी फूल के हार्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके का आटा मुझे चाहिए था, तो आटा बन के रेडी हो गया है, और अब हमें इसे ढक के रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। देखिए, 10 मिनट अब हो चुके हैं। 10 मिनट बाद अब आटा काफ़ी हद तक हार्ड हो गया है। ऊपर से मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी, और इसे बहुत ही अच्छे से हमें मसलना है,
और आटे को गूंथ के चिकना कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आटा बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है, तो एक चम्मच जैसा आप इसमें पानी डालें और इसे मसल के चिकना कर लें। देखिए, हमारा आटा बिल्कुल ही रेडी हो गया है और इसकी अब हमें छोटी छोटी लोई बनानी है। देखिए, हमें इसकी छोटी छोटी लोई बना लेनी है। जितनी लोई आप पूरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उतनी छोटी लोई हमने यहाँ पे बना के रेडी कर लिया है। देखिए, और अब हमें इसे बेलना है। तो बेलने के लिए यहाँ पे मैंने आटा का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे गेहूं का आटा एक मैंने यूज़ किया है। और अच्छे से हमें इस पे लगाना है और हमें बेल के रेडी कर लेना है। और ये जो नाश्ता हम बना के रेडी करेंगे, बहुत ही हेल्दी है। आप इसे चाहे तो स्टीम भी खा सकते हैं, लेकिन एक अलग वर्जन भी मैंने इसमें आपको बताया है। तो देखिए, इस तरीके से पतला हमें बेल लेना है और एक के ऊपर हमें रख के रेडी कर लेना है। और दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल के साथ बने रहें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, सभी रैप्स को हमने बना के रेडी कर लिया है, देखिए इस तरीके से। और अब हमें इसमें फिलिंग भरना है। तो किस तरीके से हम इसे बनाएंगे, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले एक इस तरीके से लेंगे शीट, उस पर थोड़ा सा हम आलू की स्टफिंग डालेंगे। ऊपर से हमें इस तरीके से थोड़ा सा दबा के पूरे कॉर्नर्स को हमें सील कर देना है, देखिए इस तरीके से। और अगर आप इस नाश्ते को डीप फ्राइड करना चाहते हैं, तो पानी लगा के अच्छे से इसे सील कर लें आप। और इसके बाद हमें साइड से इस तरीके से डिज़ाइन देना स्टार्ट करना है। देखिए, एक के ऊपर रख के हमें अच्छे से इसे दबा देना है, और आप देखेंगे एक स्पाइरल जैसा बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन जाता है। देखिए इस तरीके से, बहुत ही आसान है। एक से दो बार करेंगे तो आसानी से ये बन जाएगा। हाँ, अच्छे से कॉर्नर्स को आपको सील कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको रखना है और दो कोने को पकड़ के इस तरीके से हमें इसे दबा देना है। देखिए, और हमारा एक डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। ये बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, मैं आपको दूसरा भी बना के दिखा रही हूँ। जस्ट आपको अच्छे से दबा देना है इसको, और साइड में इस तरीके से उठाना है और दबाना है। इस तरीके से डिज़ाइन देना है, तो एक स्पाइरल डिज़ाइन आ जाता है। जैसे आप गुजिया बनाते हैं ना, उसी तरीके से आपको बनाना है। और लास्ट में कॉर्नर्स को पकड़ के आपको इस तरीके से असेंबल कर देना है, देखिए। और इसी तरीके से बाकी नाश्ता भी बन के हमारा रेडी हो गया है। और इसका डिज़ाइन और लुक कितना अच्छा आया है। इस तरीके से आप अगर लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो बहुत ही अच्छा ये बनेगा। इसके बाद जिस प्लेट में हम स्टीम करेंगे, उसे हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास स्टीमर है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें नाश्ते को वन बाय वन रखते जाना है, और थोड़ा सा आप गैप रखें, क्योंकि ये जब स्टीम होंगे, स्टीम होके काफ़ी ये फूल जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने गरम होने के लिए पानी चढ़ा दिया था पहले ही। इसके बाद एक स्टैंड रखेंगे और ऊपर से इस प्लेट को हमें सावधानी पूर्वक ऊपर से रख देना है, और हमें ऊपर से ढक के इसे 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है, और फ्लेम आपका मीडियम टू लो ही रहेगा। देखिए, 10 मिनट हो गए हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए, स्टीम होके काफ़ी फूल गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये नाश्ते को आप इस तरीके से भी चाहे तो खा सकते हैं, लेकिन आप इसे थोड़ा अलग तरीके से भी बना सकते हैं, तो आगे मैं आपको बताऊंगी। पूरी तरीके से इसे ठंडा कर लेना है, और यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा एक चम्मच जैसा तेल डाल दूंगी। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, इसके बाद मैं यहाँ पर राई डाल दूंगी, और जो मैंने सरसों यूज़ किया है बारीक वाला है, आप नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और राई अच्छे से जब चटकने लग जाएगा, इसके बाद हमें इसमें कड़ी पत्ता डाल देना है, और ये भी जब अच्छे से चटक जाए, ऊपर से हमें इसमें चिली फ्लेक्स ड्रिज़ल कर देना है। ये जस्ट ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, या फिर आप हरे मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 से 2 सेकेंड के बाद हम इसमें जो हमने नाश्ता बना के रेडी किया था, वो हम वन बाय वन इसमें डालते जाएंगे, और इसे 1 से 2 मिनट तक दोनों साइड से हमें भून लेना है। तड़के के साथ आप जब इसे बनाएंगे, इसका स्वाद 2 गुना और बढ़ जाएगा। और 1 से 2 मिनट बाद हमें इसे पलट देना है, और इसी तरीके से दूसरे साइड को भी हमें भून लेना है।
दूसरे साइड को भी भुनने में 1 से 2 मिनट लगेगा और गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम ही रखें। आप चाहे तो इसे ढक सकते हैं और इसी तरीके से इस नाश्ते को तैयार करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनता है। इस नाश्ते को आप चटनी केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि जो नाश्ता हमने प्रिपेयर किया है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बहुत ही कम तेल में हमने इसे रेडी किया है। और देखिए, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये लाल हो गया है और अच्छे से सिक गया है, तो अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखा ना आपने, इस नाश्ते को बनाना कितना आसान है। बहुत ही नए तरीके का नाश्ता आज मैंने आपके सामने शेयर किया। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो घर पे एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और रेसिपी पसंद आने पे रेसिपी को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।